आज हम बनाएंगे पालक एंड हेल्दी मूंग दाल चीला, जिसके साथ हम स्टफिंग देंगे पनीर एंड हरे धनिए की। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ग्राइंडर जार, और एक कप मैंने यहाँ पे भीगी हुई मूंग दाल ली है। छिलके वाली मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कुछ छिलके मैंने धोते टाइम निकाल दिए थे और कुछ नहीं निकाले, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन होता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे एक कटोरी बारीक कटा पालक। मैंने यहाँ पे अच्छे से धो के एंड छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। डालेंगे अदरक के कुछ टुकड़े जो मैंने कट कर लिए हैं पीसेस में, एंड 3 से 4 हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम डालेंगे नमक, काली मिर्च एंड लाल मिर्च। ये टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंगली आप इसमें और मसाले ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा चीले का बैटर रेडी हो गया है। 1-2 मिनट हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, और उसके बाद हम इसका चीला बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे कोई ऑयल या कुछ भी यूज नहीं किया है, डायरेक्टली नॉनस्टिक तवे पे मैं इसे बना रही हूँ। हल्के हाथ से हमें इसे फैलाते जाना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे आपने वीडियो में देखा है। थोड़ा सा पकने के बाद उसके बाद इसे फ्लिप करके आप वापस से पकाओ। साइड में थोड़ा सा घी डालो, घी या ऑयल आप कुछ भी यूज कर सकते हो। पनीर की स्टफिंग मैंने यहाँ पे दी है, जिसमें पनीर में मैंने बारीक कटा हरा धनिया डाला है। ऊपर से मैंने इसमें काली मिर्च, सीजनिंग एंड रेड चिली फ्लेक्स डाला है। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे विद द हरी चटनी। एंड ये वाली रेसिपी प्रोटीन से भरपूर है, तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।